सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि एवरेज में कौन से पॉइंट पे क्या करते हैं एंड क्यों करते हैं। सो बेसिकली हर चीज़ के पीछे का लॉजिक आज देखेंगे, एंड अगर टाइम रहा तो फिर मैं मतलब कल के मॉक में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस कर दूंगी। एंड कल के मॉक के लिए एक चीज़ है जो प्लीज़ नोट करके रखिएगा, ये फॉर्मूला आई थिंक ये मॉक के क्वेश्चंस में नहीं डाला है जिसने जिसको डालना था, सो प्लीज़ इसको नोट करके रखिएगा। हाँ, पर कैपिटा प्रोडक्शन का, पर कैपिटा का मतलब आप लोगों को पता है? यस नो एनीथिंग? पर कैपिटा का मतलब, ओके सो बेसिकली मान लो कि इस कंट्री में मतलब इंडिया में जैसे कि इंडिया में सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है? एक है एक बिजनेसमैन, एक है एक फार्मर और एक है कोई एक शॉपकीपर, ठीक है? बस ये 3 लोग हैं। मान लो कि फार्मर साल में 10,000 रुपीज़ कमाता है, शॉप ओनर 20,000 कमाता है, एंड बिजनेसमैन 30,000 हुआ। तो बिजनेसमैन आपका कितना कमाता है? मान लो कि बिजनेसमैन 50,000 कमाता है, तो टोटल इनकम क्या होगा आपका? हाँ राइट। तो बेसिकली मान लो आप लोगों के लिए स्क्रीन प्रेजेंट करके ये पार्ट समझाओ कि ऐसे ही वर्बली समझ में आ जा रहा है, प्रेजेंट ही करती हूँ। नहीं लाइक कर देते हैं, उसमें क्या है प्रॉब्लम? ओके सो ये विजिबल है ना? ओके थैंक यू बाबा। हाँ सो सपोज एक तो पर कैपिटा क्योंकि ये कल के मॉक में ये एक मतलब एक सेक्शन इससे रिलेटेड है, इसलिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे, ठीक है? मान लो कि एक कंट्री में एक फार्मर है, एक शॉपकीपर है और एक बिजनेसमैन है, ठीक है? मान लो कि बिजनेसमैन कमाता है साल में 60,000 रुपीज़, ठीक है? 60K लिख रही हूँ 60,000 की जगह, ठीक है? 60K मतलब 60,000, ठीक है? शॉपकीपर अर्न्स 20,000। शॉपकीपर अर्न्स 20K यानी 20,000 और फार्मर अर्न्स 10K, ठीक है? तो उस कंट्री का यानी कि इंडिया का टोटल इनकम क्या होगा? टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है? टोटल इनकम होगा क्योंकि इस कंट्री में सिर्फ यही 3 लोग हैं, टोटल इनकम होगा ये तीनों का इनकम ऐड कर देना, ठीक है? तो आपका टोटल इनकम होगा इस कंट्री का 90K। किसी को कुछ बोलना है? एनीवन? ठीक है, तो टोटल इनकम इस कंट्री का 90K है। पर कैपिटा को आप समझने के लिए पर हेड भी बोल सकते हो, ठीक है? पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम, तो अब बताओ इस कंट्री में हेड्स कितने हैं? हेड्स को आप चाहो तो सर जैसे भी समझ सकते हो। इस कंट्री में हेड्स कितने हैं? 3, राइट? तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा यानी कि पर हेड इनकम वुड बी 90K यानी 90,000 डिवाइडेड बाय 3।
ये पर कैपिटा इनकम हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको पर कैप, हाँ 30K, ऐसे ही आपको पर कैपिटा इनकम की जगह पर कैपिटा प्रोडक्शन पूछ सकता है। वो आपको मान लो कि पर कैपिटा प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो वो आपको राइस, मान लो राइस है तो राइस का टोटल प्रोडक्शन दे देगा, वीट का प्रोडक्शन दे देगा, पल्सेस का प्रोडक्शन दे देगा। और फिर मान लो कि बहुत सारे इयर्स का दिया, जैसे कि 2010, फिर और 2011 का दिया, ठीक है मान लो। तो ये 2 इयर्स का प्रोडक्शन दे देगा इन चीजों का, और फिर बोलेगा व्हाट वाज द पर कैपिटा प्रोडक्शन इन 2010। तो 2010 का पर कैपिटा प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले 2010 का टोटल प्रोडक्शन निकालना होगा। एंड टोटल प्रोडक्शन आप कैसे निकालोगे, मान लो कि राइस का प्रोडक्शन था 10, वीट का 10 और पल्सेस का 10, तो आप पर कैपिटा प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्योंकि उसने पूछा क्वेश्चन में 2010 का पर कैपिटा प्रोडक्शन, तो सबसे पहले 2010 का टोटल प्रोडक्शन निकालिएगा। तो सबसे पहले 2010 का टोटल प्रोडक्शन, अब टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी प्रोड्यूस हुआ है उस सब का टोटल। तो जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसमें राइस भी आता है, वीट भी आता है, पल्सेस भी आता है। इसलिए टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए आप ये तीनों ऐड करिएगा। ओके, सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन आपका वैसे निकलेगा। फिर उस बार इस बार हेड्स कितने हैं, इस बार कितने हेड्स हैं? 1, 2, 3, 3 हेड्स हैं। ओके राइट, 3 हेड्स हैं। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन होगा आपका 30, क्योंकि 30 आपका टोटल प्रोडक्शन था, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 हेड्स थे। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन फॉर 2010 वुड बी 10, ठीक है। अब मान लो कि राइस का 2011 में 20 प्रोडक्शन था, वीट का 30 था और पल्सेस का फिर से 10 था। अब क्वेश्चन में पूछा कि पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्लूडिंग बोथ द ईयर्स कितना था, तब कैसे निकलेगा? खाली पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ राइस पूछा गया है। ओके मिलिन, करेक्ट, बट निकालेंगे कैसे, ठीक है? निकालेंगे सबसे पहले राइस का टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे। तो राइस का टोटल प्रोडक्शन, सिर्फ राइस का टोटल प्रोडक्शन, अब टोटल का मतलब है जितने साल का मांगा है वो सबको ऐड करना। तो राइस का टोटल प्रोडक्शन वुड बी 30। एंड हेड्स इस बार कितने हैं, 2 साल का पूछा है, कितने हेड्स हुए? दो, 2 हेड्स। तो आपका पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ राइस वुड बी 15। इसको किसको समझ में नहीं आया? हाँ वैभव, आपने सही लिखा है। ओके सो अब किसको किसको समझ में नहीं आया? ओके गौरी, आप अभी ज्वाइन किए हो तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये कल के मॉक के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लो कि इसका, जिसको जिसको नहीं समझ में आया है अभी अनम्यूट करके पूछने की जरूरत नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो इस कंट्री में सब समझ आया है, ओके। आप सबके लिए मत बोलिए गौतम, आप सब अपने लिए देखिए। ओके सो बेसिकली गौरी, 5 मिनट्स लगेगा, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। मान लो इस कंट्री में सिर्फ 3 लोग हैं, जिसको जिसको समझ में आ गया है आप लोग भी बस सुन लो फिर से, क्या पता अगर कुछ गलत समझ में आया होगा तो क्लैरिफाई हो जाएगा।
बॉडी ओके, मान लीजिए इस कंट्री में सिर्फ तीन लोग हैं, ठीक है, एक शॉपकीपर है, एक बिजनेसमैन है और एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। मान लो शॉपकीपर साल में अर्न करता है 30,000, मैं 30K लिख रही हूँ, ठीक है। मान लो बिजनेसमैन अर्न करता है 60,000, या बिजनेसमैन अर्न करता है 90,000, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर अर्न करता है 60,000, ठीक है। इस कंट्री में सिर्फ यही तीन लोग हैं, ये मान के चलो, ठीक है, इस कंट्री में सिर्फ यही तीन लोग हैं, तो उस कंट्री का टोटल इनकम क्या होगा? हाँ, सो गौतम का पता चला कि अभी कुछ गलत बोला है इन्होंने, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत समझ में आया। क्या आप 60 क्या हाफ किस चीज का हाफ निकाल रहे हो? अब पहले सुनो ध्यान से, ओके। हाँ, सो टोटल इनकम वुड बी 180,000, करेक्ट, तो ये हाफ नहीं गौतम, ये 1/3 हुआ ना। आप देखो, अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगा है ना, आप एंड में गलत कर दोगे। आप हाफ बोल रहे हो और 1/3 कर रहे हो, ओके, ऐसे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। सो अब इसको साइड करते हैं। सो इस कंट्री का टोटल इनकम इज 180K। अब इस कंट्री में हेड्स कितने हैं, इस कंट्री में लोग कितने हैं? तीन, तीन लोग हैं। तो पर कैपिटा इनकम वुड बी इस कंट्री का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इस कंट्री में कितने हेड्स हैं। इसका मतलब है इट वुड बी 180K, और इस कंट्री में कितने हेड्स हैं गौरी, कितने लोग हैं इस कंट्री में? थ्री, ओके। तो इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम वुड बी 180K डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 60,000। तो ऐसे निकलता है पर कैपिटा इनकम। तो अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रही थी, तो एक सेकेंड थोड़ा होगा। तो मान लो कि आपको क्वेश्चन में ये चार्ट दे दिया, बोला कि एक कंट्री में सिर्फ तीन टाइप की चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक है राइस, एक है व्हीट और एक है पल्सेस, और 2 साल का प्रोडक्शन दे दिया, 2010 एंड 2011। फिर वो बोला क्वेश्चन में 2010 का टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है, 2010 का टोटल, 2010 का पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या होगा। तो 2010 का पर कैपिटा प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2010 का टोटल प्रोडक्शन निकालना होगा, क्योंकि ये 2010 का पूछा है। 2010 का प्रोडक्शन इंक्लूड्स राइस, व्हीट एंड पल्सेस, इसलिए 2010 का टोटल प्रोडक्शन वुड बी 30 राइस प्लस व्हीट प्लस पल्सेस, 2010 का टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। 2010 का पर कैपिटा प्रोडक्शन वुड बी टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। बेसिकली नंबर ऑफ हेड्स को आप सिर्फ मतलब इंसान के हेड की जैसे आप ऐसे टाइप के हेड्स भी समझ सकते हैं, जैसे हेडिंग। तो कितने हेड्स हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, सिर्फ 2010 का पूछा है, तो 2011 को एकदम इग्नोर करना है। तो 2010 में तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 3, 3 हेड्स है। अब बोला कि राइस का पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या है, राइस का सर। तो राइस का पर कैपिटा प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें ये रो देखना है। राइस 2 साल प्रोड्यूस हुआ, 2010 एंड 2011, तो राइस का टोटल प्रोडक्शन वुड अगेन बी 30,
एंड राइस का पर कैपिटा प्रोडक्शन वुड बी 30 डिवाइडेड बाय कितना बताइए? इस बार 30 से क्या डिवाइड करेंगे? राइट, 2 डिवाइड करेंगे क्योंकि इस बार 2 हेड्स हैं, 2010 एंड 2011। सिर्फ राइस का पूछा है इसलिए वीट एंड पल्सेस को पूरी तरह से इग्नोर करना है। सो पर कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ राइस वुड बी 15। ठीक है, राइट संजना? तो ये पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया? मैं अभी कल के मॉक्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो मॉक में जैसे भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं एग्जैक्टली वैसे ही टाइप के सारे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कल इजी हो सॉल्व करने में। तो हाँ, मैं एक पाई चार्ट ड्रॉ करूँगी, ठीक है। पाई चार्ट आपका मतलब आपको पता है? आपने पाई देखा है? पाई या केक? केक ऐसे राउंड होता है ना, क्योंकि ये राउंड होता है इसीलिए उसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज 50%, परसेंट लिखा भी है मैंने, 50%, 30% एंड दिस इज 20%, ठीक है। ये पाई चार्ट है एंड मैंने बोला कि दिस पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंपनीज। मान लो कि ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है और ये कंपनी सी है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 2000। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूड जितने भी लोग ए में काम करते हैं, जितने लोग बी में काम करते हैं, जितने लोग सी में काम करते हैं। तो इस पाई चार्ट का मतलब क्या है कि 2000 लोग टोटल हैं, ठीक है। मान लो कंपनीज भी नहीं, मान लो कंपनी है आपका रिलायंस, एंड रिलायंस में 3 डिपार्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं ए बी एंड सी, और रिलायंस के अंदर 3 ही डिपार्टमेंट हैं। एंड रिलायंस में मेरे पास डेटा है एंड मैंने बोला कि रिलायंस में 2000 लोग काम करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ए में 20% लोग काम करते हैं, बी में 50% एंड सी में 30%। इसका मतलब है ऑफ द टोटल पीपल जितने भी लोग हैं उसमें से 20% लोग डिपार्टमेंट ए में काम करते हैं, 50% लोग बी में काम करते हैं एंड 30% लोग सी में काम करते हैं। तो आप लोग बोलिए डिपार्टमेंट ए में इसका मतलब है कितने लोग काम करते हैं? डिपार्टमेंट ए में अगर मैंने बोला कि टोटल लोग 2000 हैं एंड बस ये पाई चार्ट आपको दिखा दिया, तो इसका मतलब यही होगा कि टोटल जितने भी लोग हैं उस टोटल में से 20% लोग ए में काम करते हैं, 50% लोग बी में काम करते हैं, उसमें से 30% लोग सी में काम करते हैं। तो ए में काम करते हैं 20% ऑफ 2000, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, समझे? हाँ गौतम, राइट गौतम वैभव, ठीक है। तो ए में कितने लोग काम करते हैं बताइए? कट करिएगा, 400 काम करेंगे, ठीक है। बी में कितने लोग काम करते हैं बताइए? बी में 50% ऑफ 2000 यानी कि 1000 लोग काम करते हैं, एंड सी में 30% ऑफ 2000 यानी कि 600 लोग काम करते हैं।
इस पार्ट तक किसको किसको नहीं समझ में आया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, आइदर वे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉक कल के मॉक में आएंगे एंड मतलब अगर आप एक बार समझ जाओगे तो कल आपको इजी होगा करने में, टाइम सेव होगा। ठीक है गौतम, 100 क्या? बी का 100 होगा? देखो गौतम कैलकुलेशन ठीक से करिए, 50% ऑफ 2000 करना है, तो 50/100 इंटू 2000 तो वो 1000 होगा। एंड मिलिंद आपका 400 बी का नहीं है एक्चुअली, आपको देखने में यहाँ पे ये ए है ऊपर का, 20% ऑफ 2000। ओके अब मिलिंद गौतम मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं क्या आपको ये पाई चार्ट और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब अगर एक बार और एक्सप्लेन करूंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है गौतम, सो आप ये वैल्यूज याद रखिएगा। ओके आप लोग ये वैल्यूज याद रखिएगा। अब मैंने बोला रेशियो ऑफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगी ठीक है, रेशियो ऑफ मेल्स इज टू फीमेल, मैं यहाँ पे दे रही हूँ ठीक है, कंपनी ए में इट्स 1:1, कंपनी बी में 2:3, कंपनी सी में 3:2। अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे, कोई ट्राई करेगा? अब मैंने इस पाई चार्ट के बगल में पहले ये लिखा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 2000 है एंड बगल में एक टेबल देके दिया कि रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल इन कंपनी ए है 1:1, कंपनी बी है 2:3, कंपनी सी है 3:2। तो इस इंफॉर्मेशन को अब आप कैसे समझेंगे, कोई ट्राई करेगा? ओके सो बेसिकली अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि डिपार्टमेंट ए में जितने भी लोग काम करते थे उन लोगों को अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो फर्स्ट हाफ, क्योंकि मेल इज टू फीमेल इज इक्वल टू 1:1, इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ वुड बी द नंबर ऑफ मेल्स इन दैट डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड हाफ वुड बी द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो क्योंकि ए में 400 लोग काम करते थे, अब उस 400 लोगों को मुझे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो रेशियो कैसे यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए, इधर से आपको रेशियो यूज करना भी आ जाएगा, तो अगर आपको रेशियो यूज करने प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए वुड बी 1, मेल्स के नीचे 1 आता है मतलब मेल 1, 1 डिवाइडेड बाय टोटल मतलब ये वाला पार्ट एंड ये वाले पार्ट को ऐड कर देंगे, तो मतलब 2, 1/2 इंटू इस नंबर को हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में, यानी कि 400। ओके तो नंबर ऑफ मेल्स
हाँ वैभव करेक्ट एंड मिलिंद आपके आंसर सही है. नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए वुड बी 200. रेशियो यूज करना जिसको भी नहीं आता था ये प्रॉब्लम होती थी. होपफुली आपको समझ में आ रहा है. इन नंबर ऑफ फीमेल्स इन डिपार्टमेंट, ठीक है मान लो डिपार्टमेंट ए का नहीं है, बी का करते हैं. यहाँ पे बी का करते हैं. बी में थे, हमने पहले कैलकुलेट किया था, बी में 1000 लोग थे. ठीक है. नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो आप लोग अपने लिए जो भी शॉर्टकट आपको, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखने की जरूरत पड़े, आपको जो भी शॉर्टकट ठीक लगे आप यूज कर सकते हो. नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट बी होगा. सबसे पहले कौन सा रेशियो मेल्स के ठीक साथ में जाता है? जैसे मान लो कि M:F इज इक्वल टू 2:3 लिखा है. एम के जगह पे 2 आता है, इसका मतलब है एम इज डिनोटेड बाय दिस नंबर, नंबर 2. तो नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट बी वुड बी 2 डिवाइडेड बाय ये दोनों नंबर्स का टोटल, मतलब उस रेशियो में जो भी नंबर्स हैं उनका टोटल, यानी कि इधर 2 + 3 = 5, 2/5 into 1000. ओके दैट इज 200 × 2 दैट इज इक्वल टू 400. समझे? अब नंबर ऑफ फीमेल्स इन डिपार्टमेंट बी होगा, फीमेल्स के साथ कौन सा टर्म जाता है वो है 3, 3 डिवाइडेड बाय इनका टोटल है 2 + 3 = 5 into 1000 यानी कि 600. ओके हाँ वैभव आपने सही एक्सप्लेनेशन लिखा है. 1:1 मतलब हाफ में डिवाइड कर देते हैं. सो बेसिकली हाँ वैभव, अंजना, मिलिंद आप सबने करेक्ट लिखा है. मिलिंद आपने पहले भी करेक्ट लिखा था. सो बेसिकली सबको ये इस तरह से पाई चार्ट समझना आ गया. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में. ओके समझ में आ गया. गौरी, रजत, आप लोगों को समझ में आया? यस ओके ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं. अब एक और टाइप का क्वेश्चन. मैं आपको ये सब इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एकदम इसी टाइप के क्वेश्चंस कल आएंगे. ठीक है, एकदम इसी टाइप के. तो अगर आप ये सब चीज़ समझ चुके हो तो आपका मैथ सेक्शन में सही से आपका मैथ सेक्शन सॉल्व हो जाएगा. ओके एक सेकेंड देखने दीजिए मुझे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कौन से वाले हैं. मान लो कि ये एक बार ग्राफ था, बना रही हूँ. ये दूसरा है, ड्राइंग पे मत जाइएगा. ये तीसरा है. ठीक है. मान लो ये बार ग्राफ है आपके, ये डिनोट करता है कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी. ठीक है. अब ये वाला जो बार ग्राफ
कलर नहीं है। तो ये दो बार ग्राफ्स को हर केस में मैं अलग कर रही हूँ। ओके, ए बी एंड सी कंपनीज के नाम है एंड रेड एंड ब्लू इज द टाइप ऑफ चिप्स दैट दे प्रोड्यूस। ठीक है, चिप्स नंबर 1 है L1 एंड L2। सो इस बार ग्राफ को आप सबसे पहले जब देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये कंपनी ए है, रेड वाला इज द L1 टाइप का चिप्स एंड ब्लू इज द L2 टाइप का चिप्स। ओके, अब इसके ऊपर एक नंबर लिख दिया मैंने, 40, 60, 30, 70, 70 और ये है 80, 20। यहाँ पे इस एक्सिस पे कंपनीज के नाम हैं और इस एक्सिस पे प्रोडक्शन है। ठीक है, मान लो ऐसे आपको एक ग्राफ दे दिया गया। सो अब इसका मतलब क्या है? अब इस ग्राफ में आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है? तो इस ग्राफ में 40 क्या डिनोट करता है? कोई गेस लेना चाहेगा? 40 क्या डिनोट करता है? तो बेसिकली अब इस ग्राफ का मतलब है कंपनी ए प्रोड्यूसेस दो टाइप्स के चिप्स, L1 रेड वन, यहाँ पे दिया हुआ है L1 द रेड वन, L2 द रेड टू। L1 के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, L2 के 60। कंपनी बी में L1 के 30 प्रोड्यूस होते हैं, L2 के 70। कंपनी सी में L1 के 80 प्रोड्यूस होते हैं, सी के और L2 के 20। ठीक है, यस करेक्ट। अब मैंने आपको बोला कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ L1 कितना है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ L1 आप कैसे निकालोगे? तो सारे कंपनीज में जितना भी L1 प्रोड्यूस होता है आप सबको ऐड कर दोगे, तो आप ऐड करोगे सिर्फ L1 वाले पार्ट को, यानी कि 40 को, 30 को एंड 80 को। ठीक है, आप वो ऐड करोगे तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ L1 आपको मिलेगा, या टोटल प्रोडक्शन ऑफ L2 के लिए आप सारे L2 को ऐड करोगे। ओके, ये पार्ट समझ में आया। अब मैंने पूछा व्हाट परसेंटेज इज द प्रोडक्शन ऑफ L1 इन ए टू द प्रोडक्शन ऑफ L2 इन बी। व्हाट परसेंटेज इज द प्रोडक्शन ऑफ L1 इन ए टू द प्रोडक्शन ऑफ सपोज L2 इन बी। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज प्रोडक्शन ऑफ L1 in A divided by production of L2 in B into 100। या पूछ दे आपसे कि what is the total production, what percentage is the total production of company A to that of company B। तो इस केस में आप सिंपली इस कंपनी को ऐड करोगे टोटल प्रोडक्शन, इसका ऐड करोगे एंड फिर इसका रेशियो निकालोगे। ठीक है,
मान लो कि पूछे कि बाय हाफ, मान लो कि ये 60 की जगह 160 है, अब पूछा कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द प्रोडक्शन ऑफ चिप्स इन कंपनी ए ग्रेटर देन दैट ऑफ कंपनी सी। तो सबसे पहले आप ये दोनों को इसको ऐड करोगे, ए का प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन निकालोगे जो कि 200 है, ठीक है। सी का प्रोडक्शन है 100। क्वेश्चन ने पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज इज दिस प्रोडक्शन मोर देन दैट ऑफ सीज प्रोडक्शन, मोर देन दैट। तो इसमें आपको देखना है कि ए का प्रोडक्शन कितने परसेंटेज से सी का से ज्यादा है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि ए का प्रोडक्शन सी का से सी के कंपैरिजन में कितना है, ये पूछा कि सी के से कितना ज्यादा है। तो ज्यादा निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ए ने कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया। तो ए ने सबसे पहले तो डिफरेंस देखोगे तो ए ने 100 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया, ठीक है। रिक्वायर्ड परसेंटेज वुड बी ए ने कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया। आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आप सी के प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हो, तो सी ने कितना प्रोड्यूस किया, 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं। इसका मतलब है ए ने सी का से 100% ज्यादा प्रोड्यूस किया। अब मान लो कि अब बोलता है ये लोग, अब इन लोग क्वेश्चन में बोलते हैं कि ए का प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी का प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको बस देखना है कि ए का प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी का प्रोडक्शन। तो आप देखोगे 200 ए का प्रोडक्शन है, सी का प्रोडक्शन है 100 इंटू 100 क्योंकि देते हैं, तो ए का प्रोडक्शन इज 200% ऑफ सी का प्रोडक्शन। किसको किसको ये सब समझ में नहीं आया है, मगर किसको नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो। ओके okay? अगर आ गया है तो आप लोग यस भी लिख सकते हो। पर कैपिटा हो गया, ये हो गया। ओके okay. किसको किसको ये नहीं समझ में आया, बस यही तीन टाइप के, मतलब तीन वैरायटी, यही तीन वैरायटी होंगे कल के मॉक में। ओके okay? तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अभी भी पूछ सकते हो कहाँ पे नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। ओके okay? रजत आपको समझ में आ रहा है सब। यस मैम। ओके सो सब समझ में आ गया सबको, तो ये कल के मॉक का है। ओके सो याद रखने ये सब, या अगर नोट किया है तो वेरी नाइस। अब एवरेजेस का कुछ लॉजिक सीखते हैं, एक सेकेंड। और हाँ रजत, लीगल से आज कौन आएगा पढ़ाने, कौन? देखता मैं कौन कौन? अभी मुझे भी पता नहीं मैम, अभी सैटरडे को कौन क्लास होता है? मैम चेंजेस रहते टीचर्स। लास्ट वीक कौन आया था? मैम एक मिनट में चेक करता हूँ। ठीक है, या है छोड़ो। अब मान लो एवरेज का, मैं आपको 10 भी नहीं, मैं 5 नंबर्स आपको दे रही हूँ, अमिया नंबर भी नहीं। तीन लोग हैं, ए ए की एज है, मैंने बेसिकली तीन लोगों से बात की, वो तीन लोग हैं ए बी और सी, ठीक है। हेलो मैम, हाँ देवप्रिया देवप्रिया, सर अच्छा ठीक है, जब आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। मैम। हाँ मैंने तीन लोगों से बात की, ठीक है। ए ए से मैंने पूछा कि
तुम्हारा एज क्या है? ए ने बोला 20, बी ने बोला मेरा एज है 40, बट मैंने सुना 14। या मान लो बी ने बोला कि मेरा एज है 60, बट मैंने सुन लिया 16। और मान लो कि सी का एज है ये टोटल कितना होगा, 30, 36, नाउ ऐड करूँ 4, हाँ, और सी का एज है 24। ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि सी का, बी का एज 6060 है एंड 1616 नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि उसका एज 60 है, मैंने गलत सुना। अब मैं इनका एवरेज निकालने जा रही हूँ। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं इनका टोटल एज निकालूंगी। टोटल एज वुड बी 20 प्लस 16 प्लस 24। ठीक है, और कितने हेड्स हैं इधर? 1, 2, 3, राइट बाय 3। मैंने एवरेज निकाला 60 डिवाइडेड बाय 3। बाद में जब बी आया तब बी ने बोला मेरी एज 16 नहीं है, मेरी एज 60 है। तो फिर मैंने सोचा कि, तो बेसिकली एवरेज आ गया आपका 20। बाय द टाइम मुझे पता चला, आप में से कोई ये डेटा याद रखना, ए बी एंड सी, ठीक है। बाय द टाइम मुझे पता चला कि बी का एज 60 है एंड 16 नहीं है, तब तक मैंने जहाँ नोट किया था तीनों का एजेस वो मैं भूल गई। ठीक है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने ए बी एंड सी, सी का एवरेज निकाला 20, मैंने बी का एज 16 कंसिडर किया था, बट बी का एज है 60। मुझे बस इतना ही याद है। बी का करेक्ट एज है, करेक्ट ई ओ लिख देती हूँ, और बी का इनकरेक्ट एज है 16। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ए एंड सी का एज नहीं याद है। तो बट मुझे ये पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड्स। इस केस में मुझे उनका टोटल एज तो अब पता नहीं है, क्योंकि ए एंड सी की एज याद नहीं आ रही है मुझे। तो मैं लिखती हूँ टोटल की जगह पे टी, बट मुझे ये याद है नंबर ऑफ हेड्स 3 है, ए बी एंड सी, एंड बी की गलत एज से मैंने एवरेज निकाला था 20। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे टोटल मिल जाएगा उनकी एजेस का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो। ठीक है, मुझे पता चलेगा कि मैंने उनका गलत टोटल निकाला था 60 विथ बी की गलत एज, बट अब मुझे सही एवरेज निकालना है। तो करेक्ट टोटल क्या होगा? करेक्ट टोटल होगा मेरा गलत टोटल, मैंने जो भी निकाला था उस गलत टोटल में ए एंड सी का एज सही था, तो उस गलत टोटल में से, टोटल में सिर्फ बी की एज गलत थी, एंड बी की एज को मैंने 16 कंसिडर किया था, तो मैं 16 को हटा दूंगी, तो बचेगा सिर्फ ए एंड सी का टोटल। अब मुझे बी की करेक्ट एज पता है, तो फिर मैं बी की एज ऐड कर दूंगी। तो ये है आपका नया करेक्ट टोटल, एंड अब इस करेक्ट टोटल को नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज। आपको ये करेक्ट टोटल निकालने वाला पार्ट समझ में आया? आप गलत टोटल में से जो नंबर आपने गलत कंसिडर कर लिया उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंड उसके जगह जो सही नंबर है
वो ऐड कर दोगे। समझ में आया? हाँ जिसको जिसको नहीं समझ में आया आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैम, हाँ 60 माइनस 16 माइनस करके वो +60 ऐड किया, वो एवरेज 60 है ना? नहीं, वो एवरेज 60 नहीं है। मैंने बोला था ना कि मुझे लगा कि बी ने अपना एज 16 16 बताया, बट बी का सही एज था 6060, तो ये वो वाला 60 है। ओके ओके ये ओके, थैंक यू वैभव। अगर किसी को नहीं समझ में आया है सो प्लीज बताइए। सो देखो गौतम, ध्यान से सुनना। ए बी एंड सी, मैंने इन तीनों से बात की, मैंने इनका एज पूछा। एक ही एज, उसने कुछ अपना एज बताया, बी ने अपना एज बताया। सी का जो बी का जो एज था, मैंने गलत सुन लिया। टोटल निकालने के लिए मुझे इन तीनों की एजेस को ऐड करना होगा, तो मैंने बी की गलत एज को ऐड करके टोटल निकाल दिया। तो अगर मुझे सही टोटल निकालना है तो इसका मतलब बस यही होगा ना कि मैंने जो गलत नंबर ऐड किया है मैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, एंड जो सही नंबर है मैं उसे ऐड कर दूं। ए एंड सी की एज सही है उस टोटल में, तो मैं ए एंड सी की एज के साथ मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम बस बी की एज में है। तो मैंने उस टोटल में से ए एंड सी की एज को छोड़ दिया, एंड बी की जो गलत एज थी उसको हटा दिया। हटा दिया मतलब माइनस कर दिया, बी की गलत एज माइनस हो चुकी है, एंड मेरे पास बी की सही एज है, तो मैंने बी की सही एज को ऐड कर दिया। इस प्रोसेस में याद रखना है मुझे कि नंबर ऑफ पीपल अभी भी 3 हैं, 3 लोग अभी भी हैं, तो एवरेज वुड बी द करेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब दूसरा केस, फिर से ए बी एन सी हैं। मुझे नहीं पता ए एन सी की एजेस क्या, ए एन बी की एजेस क्या है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस ये पता है कि इनका एवरेज एवरेज था 30, मुझे बस इतना पता है। ठीक है, सो ए बी एंड सी के टोटल एजेस क्या है, टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा? एवरेज का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, एवरेज निकालते हैं, टोटल एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू द एवरेज। यहाँ पे 3 लोग थे, तो यहाँ पे 3 लोग थे तो एन की जगह डायरेक्टली 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 लोग थे तो टोटल एजेस ऑफ ए बी एंड सी 90 है। ये याद रखना है कि हमें ये नहीं पता ए बी एंड सी के इंडिविजुअल एजेस क्या थे। ये हो सकता है कि सी 2 साल का हो, बी 50 साल का हो, एंड रिमेनिंग एजेस का बी हो या जो भी बचा हो, हमें नहीं पता। ये अज्यूम मत करिएगा कि तीनों के एजेस 30 30 एंड 30 है। एक की एज 40 हो सकती है, एक की एज 30 हो सकती है, एंड एक की एज 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है। हमें बस ये पता है कि उन तीनों के एजेस को ऐड करके वी गेट 90। तो आ गया क्या? ओ सौरभ आएगा। ओके, तो हमें बस इतना पता है कि तीनों की एजेस को ऐड करके वी विल गेट 90। हमें ये नहीं पता है कि इंडिविजुअली उनकी एजेस क्या है, सो उस एस्पेक्ट पे सोचना ही नहीं है, ये कंसिडर ही नहीं करना है कि क्योंकि हमें टोटल एज 90 लगा था, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल एजेस ईच का 30 30 एंड 30 होगा। सो ये मिस्टेक मत करिएगा। हमें बस इतना पता चला कि तीनों की एजेस को मिला के वी गॉट 90। अब डी आया मेरे पास एंड डी सेड कि मुझे भी अपने एवरेज में इंक्लूड करो।
बट मैंने बोला मैं सिर्फ तीन लोगों का एवरेज कैलकुलेट करूंगी, चार लोगों का नहीं करूंगी। सो डी ने मुझे बोला कि माई एज इज 20, डी का एज है 20, तुम सी को एक्सक्लूड कर दो। मैंने बोला ठीक है, बट आई डोंट नो सी इज एज। तो उसने बोला सी का एज इज 50। उसने मुझे बता दिया सी की एज है 50, मेरी एज है 20, सी को हटा दो, अब नया एवरेज मुझे बताओ। सो अब आपका करेक्ट टोटल, सी को मुझे हटा देना है। सो अब मेरे पास लोग हैं सिर्फ ए, बी एंड डी, इनकी एजेस का टोटल निकालना है मुझे। सो व्हाट विल आई डू, मुझे ए एंड बी की एजेस के साथ कुछ नहीं करना है। उधर मुझे जाना ही नहीं है, बट मुझे ये पता है कि इस टोटल में उन दोनों की एजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले मैं इस टोटल में से सी की एज को हटा दूंगी, क्योंकि मुझे सी से कोई लेना देना नहीं है। सी को हटा दिया। सो अब कितने लोग बचे? सी को हटा देने के बाद मेरे टोटल में सिर्फ दो लोगों की एजेस बची, एंड वो दो लोग हैं ए एंड बी। बट मुझे एवरेज में डी को भी इंक्लूड करना है, इसीलिए मैं अब डी की एज को ऐड कर दूंगी। तो द टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 3, ए बी एंड डी। 4 नहीं होंगे क्योंकि मैंने सी को हटा दिया, इट्स 3। एंड द करेक्ट टोटल राइट नाउ वुड बी पुराना टोटल जिसमें सी इंक्लूडेड था, अब मैंने सी को हटा दिया उसमें से। सी को हटाने के लिए मैंने सी की एज को माइनस कर दिया, और डी को इंक्लूड करने के लिए आई एडेड डी की एज। ओके, दिस इज माई करेक्ट टोटल। सो द न्यू एवरेज वुड बी द करेक्ट टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल। तो करेक्ट टोटल निकालिए, नंबर ऑफ पीपल 3 है, तो बस यही है। एंड यही बेसिक है, एंड इसी बेसिक के ऊपर दे कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन। तो आप बस इस पार्ट को याद रखिएगा एंड क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, गिव इट टाइम। अभी शुरू से जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय।